मेरा नाम वैशाली है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंची वैशाली। और आज मैं आई हूँ इंडिया की बहुत ही प्रसिद्ध जगह स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर लंबी वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू बनाई गई है। ये स्टैचू गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर डैम के किनारे बनी है। इस स्टैचू का निर्माण आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में किया गया है, जिन्होंने भारत के अनेक राज्यों को एक किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट वडोदरा है, जहां से आप एकता नगर केवाड़िया बाय ट्रेन या बाय रोड आसानी से आ सकते हैं। एकता नगर पहुंचकर आप यहां बनी टेंट सिटी से लेकर किसी भी अच्छे होटल या रिजॉर्ट में स्टे कर सकते हैं। हम रुके थे द फर्न सरदार सरोवर रिजॉर्ट में और इस रिजॉर्ट का फुल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। एकता नगर में रेलवे स्टेशन से लेकर हर टूरिस्ट प्लेस के लिए पॉइंट टू पॉइंट फ्री एसी बस सर्विस अवेलेबल है। वैसे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरे साल ट्यूजडे टू संडे खुला रहता है, लेकिन अक्टूबर से फरवरी स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए बेस्ट टाइम है। इस समय यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। पूरे साल हफ्ते के हर मंडे को ये जगह बंद रहती है। आपको अपने रिजॉर्ट से यहाँ आसानी से पिंक कलर का बैटरी रिक्शा मिल जाएगा, जिसे यहाँ केवल महिलाएं चलाती हैं, और 50 रुपये में आपको श्रेष्ठ भारत भवन और आसपास की टूरिस्ट प्लेसेस पर पहुँचा देती हैं। श्रेष्ठ भारत भवन के पास खाने पीने के लिए एकता फूड कोर्ट मिल जाएगा, जहां आपको काफ़ी फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर खाने का टेस्ट मुझे यहां एवरेज लगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए दो तरह से टिकट बुकिंग करा सकते हैं, एक ऑनलाइन और दूसरी ऑफलाइन। ऑफलाइन बुकिंग आप श्रेष्ठ भारत भवन पर बने टिकट काउंटर से आसानी से करा सकते हैं, और ऑनलाइन बुकिंग आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऐप से करा सकते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन टिकट बुक करा कर ही आए, क्योंकि कई बार ज़्यादा रश होने पर आपको टिकट बुकिंग में दिक्कत आ सकती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए दो दो घंटे के स्लॉट्स सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच बुक होते हैं। आप अपनी पसंद का स्लॉट ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जो फ्री बस सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है, ये एसी बस बिना किराया लिए आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देती है। अगर आपको अपना लगेज रखना हो तो बस स्टैंड पर बने लगेज रूम में रात 8 बजे तक के लिए आप अपना लगेज जमा कर सकते हैं, और ये सर्विस भी फ्री है। और अब हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, और यहाँ से करेंगे हम अपनी एंट्री। अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न हैं तो एंट्री गेट से अंदर तक जाने के लिए यहाँ गोल्फ कार्ट भी चलते हैं। इसके अलावा यहाँ ऑटो वॉक की सुविधा भी उपलब्ध है। आप यहाँ तीन तरह की टिकट बुकिंग करा सकते हैं। पहला 150 रुपये का टिकट है, जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी में एंट्री, ऑडियो विजुअल गैलरी और स्टैचू के फुट लेवल तक जाना इंक्लूडेड है। दूसरा टिकट 380 रुपये का है, जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी में एंट्री, ऑडियो विजुअल गैलरी और स्टैचू के चेस्ट लेवल तक लिफ्ट से ऊपर जाना इंक्लूडेड है। तीसरा टिकट 1050 रुपये का एक्सप्रेस एंट्री टिकट है,
जिसमें भीड़ होने पर ऊपर चेस्ट लेवल तक जाने के लिए लिफ्ट में प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए एक्सप्रेस एंट्री टिकट ज़्यादा भीड़ होने पर ही अपग्रेड कराएं। नॉर्मल भीड़ में आप आराम से चेस्ट लेवल तक 380 रुपये में जा सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री टिकट बाद में भीड़ होने पर आप अंदर बने काउंटर पर भी अपग्रेड करा सकते हैं। यहाँ से अंदर जाने पर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाने वाली एक स्पेशल गैलरी मिलती है। ये गैलरी उनके जीवन, उनकी कार्य क्षमताओं और उनके देश के लिए किए गए योगदान को दर्शाती है। और अब हम लिफ्ट से जा रहे हैं इस स्टैचू के अंदर बनी व्यूइंग गैलरी में। ये जगह स्टैचू के सबसे ऊंचे मंच 153 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के हृदय के अंदर बना हुआ ये चेस्ट चैम्बर उनकी आत्मा की एक छवि को दर्शाता है। The viewing gallery also offers a panoramic view of the Sardar Sarovar Dam. यहाँ आपको हर तरफ क्लीन वॉशरूम एंड आरओ वाटर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी में कई तरह के फूड कोर्ट और ब्रांडेड डाइनिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ आप लंच या स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। शाम 7 बजे से यहाँ लाइट एंड साउंड शो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत की आज़ादी की कहानी पर रोशनी डालने का प्रयास किया जाता है। लोग यहाँ 6 बजे से अपनी सीट्स लेना शुरू कर देते हैं। ये जगह एंट्रेंस और फूड कोर्ट के बगल में बनी है, जहाँ आप फूड कोर्ट से शाम की कॉफ़ी और स्नैक्स लेकर ये शो इंजॉय कर सकते हैं। किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार, वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। कंक्रीट का गोल बनाया गया। इस कंक्रीट गोल के साथ लगाया गया स्टील का फ्रेमवर्क और इस फ्रेमिंग पर 6500 ब्रॉन्ज के पीसेस लगाए गए। जानते हैं कि 182 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा।
स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास कई और टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं, जहां जाने के लिए आप फ्री बस सर्विस का उपयोग कर सकते हैं, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स, जूलॉजिकल पार्क एंड जंगल सफारी, पेट जोन, मेज गार्डन, ग्लो गार्डन एक्सेट्रा। हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी के अलावा ग्लो गार्डन एक्सप्लोर किया था, जो कि वेल मेंटेन्ड यूनिक थीम पार्क है एंड इट फीचर्स अ ग्लिटरिंग वैरायटी ऑफ आर्ट वर्क, फिगर्स एंड ऑप्टिकल ट्रिक्स। यहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स, LED फाउंटेन्स विद ग्लोइंग लाइट्स एक्सेट्रा देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से आपको अपने बच्चों और फैमिली के साथ एक बार स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसी जगह ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को मुश्किलों से मिली आज़ादी का महत्व समझा सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे ऐसे और वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।